ये एक वीरान जमीन है जहाँ पे हम छोटी दुनिया में देखते हैं। इस जगह पे टाइगर राज करता है, उसके साथी है गोरिला, ये है पूमा, भालू, ये है हिप्पो, राइनो और सब आराम की जिंदगी जी रहे थे। तभी एक दिन कोई आता है, उन्हीं का राज्य चुरा कर ले जाता है। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। बोलो तूने इस राजा की कोई हिम्मत रखता है? नहीं नहीं हमें लगता है हमें अपना राजा बदल के लायन को कर देना चाहिए। हाँ, हमें लायन को बुलाना होगा। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे राजा बहुत ईमानदार है। तो डर क्यों कर दे बोलो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम यहाँ से निकल जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ। लायन महाराज की जय। अरे क्या हो गया टाइगर? मेरी सारी हड्डियां टूट चुकी है। वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? इससे तुम ठीक हो पाओगे? शायद उन लोगों के ही इलाके में मिलेगी। क्या? मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनके इलाके में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। तुम्हारे पैरों में पैरालिसिस हो गया है, अब क्या तुम जिंदगी में चल नहीं पाओगे। इसका कोई इलाज है? नहीं इसका अब तक कोई इलाज तैयार नहीं। डॉक्टर बता। कुछ नहीं हो सकता, ये मेडिकल साइंस है। तुम्हें आता है? नहीं। तो फिर चुप रहो और अपना शटर बंद रखो। आज से टाइगर जी आपको सारे काम लेट के ही करने पड़ेंगे। लायन महाराज की जय। लायन महाराज की जय। महाराज की जय हो। बोलो। मैंने सुना है वो लोग हम पे हमले की तैयारी कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए महाराजा, बोलो। पहले तो हमें एक जासूस भेजना पड़ेगा। तो जासूस बनेगा कौन? मैं बनूंगा महाराज। गोरिला तुम हाँ। ये बनने के लिए तैयार हो? हाँ। ठीक है, आज से तुम उनकी जासूसी करोगे। हाँ। और पूमा तुम हाँ। इसके लीडर रहोगे। तुम इसे बताओगे कि कहाँ कौन सी किस वक्त जासूसी करनी है। जी महाराज, ये इलाका दुश्मनों का है, मैं देखना कैसी जासूसी करता हूँ। वो लोग अभी सोए हैं रे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हो मेरी नींद खुल गई। अभी मैं गोरिला का स्ट्रॉन्ग गोरिला भाग गया है जानो। महाराज उन्होंने मुझे भगा दिया। कैसे भगाया? मैं बोला था अच्छे करना। बेर ने मुझे मार दिया। मेरा कौन इलाज करेगा महाराज? मैं इसका इलाज करूं? ये नालायक अब किसी काम का नहीं रहा। नहीं महाराज, ये अभी भी हमारे काम आ सकता है। मैं महाराज हूँ या तुम हो, तुम अपना मुंह बंद रखो। जी महाराज। अब इस नालायक को पड़े ही रहने दो। इसको सीधा कर देता हूँ। हैप्पी बर्थडे।
मैं दुश्मन के इलाके में पहुंच गया हूँ। अब मैं जाके उनका उनकी जासूसी करूंगा। ऐ हिम्मत है तो इधर आ उमा के बच्चे। भाग गया। क्या जे मैं उसे छोड़ता नहीं। हाँ महाराज, मुझे एक खबर पता चली है। क्या है? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। अब टाइगर के इस पैर में पैरालाइजेशन हो गया है वो तो मुझे भी पता है। एक काम करो, आज रात को ही उस टाइगर को हमेशा के लिए सुला दो। जी। हाँ, और एक बात ध्यान रहे, टाइगर से पहले उस राइनो और बेयर को सुलाना मत भूलना। जी महाराज। हेलो, अरे रुक। पूहा मार तो पुमा इज डेड। मारा, बुरी खबर है। क्या हुआ? चीता मर गया। क्या वो मर गया? ऐसा कैसे हो सकता है? बियर ने उसे रात को मार दिया। ये तो सुलाने गया था पर खुद ही सो गया। उसने राइनो को सुलाया। ओहो, उसने तो गड़बड़ कर दी, पूरी गड़बड़ कर दी। सुलाना था टाइगर को और उसने किसी और को सुला लिया। नहीं महाराज, उसने मरते वक्त बताया था कि अगर मैंने राइनो को मार सुला दिया तो टाइगर हमेशा वैसा ही रहेगा, वो कभी भी उठ नहीं पाएगा बेड से। मुझे पता है वो राइनो डॉक्टर है, इसलिए सबसे पहले उसे सुलाना जरूरी है, बाद में बेयर को। हाँ। ओके? और अब ये अपना बुद्धू राय, तुम यहाँ हो? ये कामचोर कही के कभी काम तो किया करो, यह तुम्हारा साथी मर गया है और तू है टाइम पास कर रहे हो। सॉरी, मैं जाता हूँ और उस राइनो से दोस्ती करके आता हूँ। राइनो से दोस्ती? सॉरी, मैं भूल गया था। और सुनो, जब ये उधर जाए तो इसे तीरों से छली कर देना, इस बेवकूफ से हमारा पीछा छूट जाएगा। बचो, जल्दी बचो। इसी से तुझे मारता हूँ। गोरिल्ला, मुझे मत मारो, उन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कैसा? उन लोगों ने मुझे मार डाला है और अब मैं बच गया हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। मैं जितना दिखता हूँ उतना नरम दिल भी हूँ मेरे भाई। चल, मैं तेरे को डॉक्टर राइनो के पास ले चलता हूँ।
आफ्टर द इंटरवल। आप कैसा है ये डॉक्टर? हाँ ठीक हो जाएगा, बस कुछ गोलियां लगी थी वो निकाल ली। कब तक ठीक हो जाएगा? 2-3 दिन तो बिस्तर में ही पड़ा रहना पड़ेगा। वैसे मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, हाँ। डॉक्टर के साथ साथ एक मैं जीनियस साइंटिस्ट भी हूँ। हाँ? मेरे पास उधर सेनापति को मारने के अलावा अब हमारे पास कोई चारा नहीं होता। सुनो, जब वो सेनापति उधर राज्य के बाहर जाता है ना, तब ये बंदूक कब काम आएंगी? मैं इस पे कुछ बदल कर दूंगा। हाँ हाँ राज्य के बाहर हिप्पो की हत्या हो गई। क्या मेरा सेनापति मर गया? ऐसा कैसे हो गया? हाँ किसने मारा? हमने मारा उसे। और अब हम तुम्हें मारेंगे। माकड़ू तुम तैयार हो ना? हाँ। अब तुम्हारी गोलियां निकल गई है, गन लो और तैयार हो जाओ। तुम मेरा निशाना नहीं लग रहा। इट्स नथिंग लाइक दैट। अब बस बहुत हो गया। पाउस पड़ा के नौकर कर। मेला तो ना बे। आता पड़ तो खाली वो कहीं नहीं कर। तुमने मेरे टाइगर के पैर डाल के हमारे राज्य पे कब्जा कमाया। तुम्हारी वजह से 1,000-2,000 प्राणियों की हत्या हो गई। चीता, हिप्पो और उन दोनों की हत्या हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज हम जिंदा होते। क्या खुशहाल रह सकता है? शुक्रिया, तुमने मेरा राज्य भले ही वापस दिला दिया पर मेरे पैर कभी वापस नहीं दिला पाओगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। पर अब नो राज्य, ये जंगल Declare to be Republic. मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। अब मैं उस टाइगर को अगले पार्ट में जरूर मारूंगा भाइयों। इंतजार करना। Dadah.